गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, कार्यपत्रिका है 74 है, ठीक है, जो दिनांक 29/9/2020 की है। ये जो कक्षा है ये सिक्स से एट्थ क्लास की वर्कशीट है, जो तीनों क्लासेस की कॉमन वर्कशीट आती है, ठीक है। और आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम जो आपका नाम है वो लिखेंगे आप, और यहाँ पे कक्षा अध्यापिका का नाम जो आपकी कक्षा का कक्षा अध्यापिका का नाम है यहाँ पे आप वो लिखेंगे, ठीक है। बच्चों आज हम इस वर्कशीट में बर्थडे के ऊपर मनाएंगे, बर्थडे के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, क्या इस बॉक्स में क्या लिखा है, हम पहले उसको रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, और महात्मा गांधी जी का देश और विश्व के लिए जो आपका बर्थडे होता है, कोई भी बच्चा हो, घर में कोई भी परिवार का सदस्य होता है, उसके लिए उसका जन्मदिन और परिवार वालों के लिए उसका जन्मदिन एक महत्वपूर्ण दिन होता है, ठीक है ना। हर रोज से हटकर हम जन्मदिन जो होता है, हमारा बर्थडे जो होता है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बता रखा है, जो गांधी जी का जो बर्थडे है, गांधी जी का जो जन्मदिन है, वो देश और विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है ना। जो हमारा जो जन्मदिन है, हमारा तो अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए होता है, लेकिन जो महात्मा गांधी जी हैं हमारे, उनका जो जन्मदिन है वो देश विदेशों में, जैसे हमारे देश में और हमारे से अलग विदेशों में भी वो एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, ठीक है ना। और हमें भी बच्चों ऐसे काम करने चाहिए कि हमारा जन्मदिन बहुत लोग मनाएं, या हम ऐसे काम करें, ऐसे कर्म करें अपने, जो हमारा जो जन्मदिन है, हमारा जन्मदिन सबको याद रहे, उसको सब सेलिब्रेट करें। हमें भी ऐसे काम करने चाहिए, ठीक है ना। तो आगे हम क्या पढ़ते हैं, इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है ना। ऐसे आपने कहीं पढ़े होंगे कि डेज, कुछ तिथियां होती हैं जो देश और विदेश में मनाई जाती हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं, जैसे हमारा योगा डे होता है, योगा दिवस होता है, वो हमारे देश में भी और विदेशों में भी मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी दिन होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम जब पढ़ते हैं, इसमें है इन तिथियों के द्वारा कुछ लोग खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, ठीक है ना। ऐसे तिथियां जो जैसे हम महात्मा गांधी जी का ही जन्मदिन मनाते हैं, तो हम जब जन्मदिन मना रहे हैं उनका, तो हम बहुत सारे उनके ऐसे काम को याद करते हैं जो उन्होंने किए हैं, जो हमें सिखाए हैं, ठीक है ना। उनके विचारों को याद करते हैं, कामों को याद करते हैं उनके, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी हो गए, और हमारे दूसरे हमारे क्रांतिकारी, हमारे जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, वो लोग हो गए, ठीक है। और इसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं, जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी, जैसे हमारे जो 15 अगस्त है, आप सबको पता है 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे, और या हिंदी में बोलते हैं जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। घर में उस माह का कैलेंडर, अब आपको एक एक्टिविटी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको एक कार्य देने, ये आपको करना है, क्या है वो देखो घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगें जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की, अब क्या है, आपको क्या है, एक कैलेंडर बनाना है, जैसे आपके घर में कैलेंडर आते हैं सारे मंथ के, ठीक है ना, कैलेंडर बनाना है, और उस कैलेंडर में आपके माता पिता का जो जन्मदिन आता है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, और अपने माता पिता को, इससे क्या होगा ना, आपके माता पिता को बहुत खुशी होगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए इतना अच्छा कार्य कर रहा है। तो आपकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को सब बच्चे करें, ठीक है। तो अब हम आगे जो है और तिथियों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे जो गांधी जी दे रखे हैं, ठीक है ना, गांधी जी के बारे में ही, जो हमारे गांधी जी हैं ये, अब सबसे पहले हम इनके बारे में ही चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारे गांधी जी हैं ये। गांधी जी का यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पढ़ते हैं। गांधी जी का जन्मदिन है जो, ठीक है ना, गांधी जी का बर्थडे है, वो कब मनाया जाता है, वो सब बच्चों को याद रहता है। गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, जो अभी हमें हाल फिलहाल में हमारा आने वाला 2 अक्टूबर, ठीक है। गांधी जी का जो जन्मदिन है वो कब आता है, 2 अक्टूबर को आता है। और गांधी, अब पढ़ते हैं इसको, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है।
इनके जन्मदिन में बेटा क्या मनाया जा रहा है, इसको भी हमें जो तिथियां हैं ना, आप ऐसा करिएगा अपनी एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में जो ये तिथियां आ रही हैं ना, डेज आ रहे हैं, इसको आप लिखते जाओ। ये आपके लिए आगे के जो आप कंपटीशन देंगे ना उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, इनको आप रेगुलर रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी सारी तिथियाँ जो भी इसमें दे रखी है ना, या जो भी आप रोज़मर्रा में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, उनको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो जो गांधी जी का जन्मदिन का जो जो हमारा ये दिवस है वो क्या है, विश्व में किस रूप में मनाया जाता है, अहिंसा दिवस, कि हमें वायलेंस नहीं दिखानी, नॉन वायलेंस के रूप में हमारे विश्व में, पूरे विश्व में मनाया जाता है, देश में नहीं पूरे विश्व में, वर्ल्ड में मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आपको क्या, अब आपको काम दिया है इसमें, क्या दिया है, गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं उनके लिए आप, उनके लिए लिखिए और आप चित्र बनाइए, गांधी जी की बातें जो भी आपको पसंद है, ठीक है ना, उसके लिए आप यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है यहाँ पे लिखिए और उनके लिए चित्र बनाइए। कुछ आपको मैं बातें बता देती हूँ, कुछ आप खुद अपनी मर्जी से जो आपको अच्छी लगती हैं वो लिख सकते हैं, कुछ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा क्या दिखा रखा है, चरखा, क्या है ये हमारा चरखा, ठीक है ना, चरखा। तो चरखा क्या है, चरखे से गांधी जी ने धागा बनाया, ठीक है ना, फिर धागे से कपड़े बनाए, और जो चरखा है ना वो क्या, तो चरखा जो गांधी जी ने चलाया तो उन्होंने क्या इसलिए चलाया, क्योंकि जो चरखा है वो आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। तो चरखा क्या माना जाता है, आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, कि हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और वो एकता का, एकजुट रहने का वो प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। तो चरखा का इम्पोर्टेंस ये है, तो चरखे से गांधी जी ने धागा बनाया, ठीक है ना, और गांधी जी ने इस, ये क्या प्रतीक माना जाता है चरखा चलाना, जो गांधी जी का चरखा है क्या है, वो आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। एक तो आपको पॉइंट ये हो गया, एक गांधी जी ने जो क्या है नमक बनाया था, उन्होंने समुद्र की, जब अंग्रेजों ने नमक पे बहुत सारा टैक्स लगा दिया था तो उन्होंने कहा कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे, तो उन्होंने क्या लिया, समुद्र का पानी आप सबको पता है खारा पानी होता है, उसमें नमक होता है, तो उन्होंने बहुत सारी ढेरियाँ बना दी, ऐसे पानी ढेरियाँ सी बना दी, उनके अंदर पानी रख लिया, कैसे किया उन्होंने, जैसे ये एक क्यारी सी बना दी, ठीक है ना, एक क्यारी सी किसी भी चीज़ मिट्टी से बना दी, उसके अंदर यहाँ पे पानी भर दिया, जब पानी की, आपको पता है आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है ये चीज़, या आप पढ़ चुके होंगे 6th क्लास के बच्चे हैं तो आप, कि इवेपोरेशन जो होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो जो वाटर होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के वो एवेपरेट हो जाता है, और बाद जो नीचे क्या बच जाता है, हमारा नमक बच जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे गांधी जी ने नमक बनाया, और गांधी जी की बातें भी बहुत हैं, जैसे उन्होंने कहा कभी हार मत मानो, ठीक है ना, हम अगर हार मान लेंगे तो हम वहीं के वहीं हार जाएंगे, ठीक है ना। तो गांधी जी ने कहा कभी हार मत मानो, इसलिए हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, और उन्होंने क्या किया, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि हम सोचे कि हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं, किस्मत धोखा दे सकती है लेकिन हमारे जो कर्म है, हमारे जो कार्य है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसे हमें हमेशा कर्म करने चाहिए। तो ये हमारे गांधी जी के बारे में है, और जो आपको अच्छे लगते हो आप भी वो लिख सकते हैं। इसके नीचे हम नीचे आते हैं, आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे है शिक्षक दिवस, जो टीचर्स डे होता है उसको कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, ठीक है ना, सितंबर, 5 सितंबर को वो मनाया जाता है, क्या, शिक्षक दिवस, जिसको हम टीचर्स डे भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, आपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखे, जैसे कहते हैं ना ग्रीटिंग कार्ड बनाना, जो आपको ये कार्ड है या कुछ भी कार्ड ले लो, यहाँ पे जो भी आपको टीचर पसंद है उसका नाम लिखो, और उसकी जो बातें आपको अच्छी लगती हैं वो इस कार्ड पे आपको लिखनी है, ठीक है बच्चों। ये जो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जो तिथियाँ हैं, जो डेट्स हैं, आप एक कॉपी बना लो, उसमें उसको लिखते जाओ कि आज इस दिन ये डेट होता है, इसको रिवाइज़ करते रहो, ये आपके लिए आने वाले समय में जैसे कंपटीशंस होते हैं आपके, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम एक चित्र देख रहे हैं, ये क्या है, ये कौन है, ये हमारी इंदिरा गांधी है, क्या है, बेटा रंग चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है ना,
ये हमारी इंदिरा गांधी जी हैं। क्या हैं? इंदिरा इंदिरा गांधी जी की ये पिक्चर दे रखी है आपको। अब आपको इनके बारे में लिखना है, ठीक है ना। ये जो आपको बॉक्स दे रखा है यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखना है। तो आप सबसे पहले तो ये जो फ़ोटो है ये किसकी है? इंदिरा गांधी जी की है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? इनका जन्म लिख सकते हैं, इनका बर्थ लिख सकते हैं, कब हुआ इनका बर्थ, इनका बर्थ कब हुआ। इनका बर्थ जो है 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 19 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि ये देश की ना प्रथम और अब तक की एकमात्र प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है ना। कि देश की प्रथम भारत की, ये जो है ये भारत की, भारत जो हमारा देश है इस पर हमें गर्व करना चाहिए, ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है। आप मेरा सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है? भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, ये भारत की प्रथम और एकमात्र अब तक की प्रधानमंत्री हैं ये इंदिरा गांधी जी। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। अच्छा बच्चों, इसके नीचे जो हम हैं, हमारे बहुत सारी हमें तिथियां दे रखी हैं, इनमें से कुछ इन्होंने दे रखी हैं और इनमें से कुछ हमें कहा है कि आप इसको लिख के बताइए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, वो मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं बेटा? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसको इंग्लिश में हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, ये आपको सारे कॉपी में लिख लेना, आपको इनमें ये हमें को दिए हुए हैं, हमें बस रीड करना है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस। मतदाता क्या होता है? जहाँ पे आप वोट दे के आते हैं, पर्यटन मतलब जहाँ पे घूमने जाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। पहले जनवरी के पढ़ लेते हैं सारे, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और हमें अपनी हिंदी भाषा पर हमें गर्व करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और 1 जनवरी जो दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। इसके बाद हम फरवरी में आ जाते हैं, फरवरी में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का दिवस मनाते हैं। अब बच्चे ये क्या 28 फरवरी को हमसे पूछ रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये सर सीवी रमन जो हमारे फिजिस्ट थे, किसके जन्मदिन मनाया जाता है? सर, हमें क्या लिखना है? सर सीवी, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं सर सीवी रमन, सर सीवी रमन के जन्मदिन पे ये डे मनाया जाता है। हिंदी में भी लिख देती हूँ एक बार, इसकी स्पेलिंग देखो, रंग चेंज करते हैं बेटा, चलो क्या है, सी वी रमन। आपको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 28 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये आप अपने आप पढ़ लें, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है हम वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 15 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? पहले बताया ये हमारा क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। आपको क्या लिखना है? स्वतंत्रता दिवस, या इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 14 नवंबर बाल दिवस, आप सबको पता है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम क्या लिखेंगे? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जन्मदिन पे बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। जो
नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे भी नेहरू जी को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद बच्चे ये हमारे सारे दिवस मना रख हैं जिनको आपको याद करना है लिख लिख के, ठीक है ना। ठीक है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, जैसे 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 21 जून को देखो जो मैंने आपको बताया पहले भी इसके बारे में बात करी, विश्व योग और विश्व संगीत दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 28 नवंबर को संविधान दिवस। ये कौन चित्र किसका दे रखा है, ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का दे रखा है, महान योगदान दिया था उन्होंने संविधान बनाने में, ठीक है ना। फिर 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। तो ये आपके सारे दिवस हैं जो आपको याद करने, बेटा बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना बच्चों। आगे की वर्कशीट के लिए हम आगे मिलते हैं, धन्यवाद।